आदिलाबाद जिला इच्चोड मंडल केन्द्र में स्थानिक विठल रेड्डी गार्डन्स भारतीय जनता पार्टी बोर्ड नियोजकवर्ग स्थाई संपर्क अभियान भागंगा केन्द्र माजी मंत्री प्रस्तुत राज्यसभा सभ्युडु प्रकाश जावडेकर प्रेस मीट निर्वहिंचारु। देशंलो टीआरएस सर्कार प्रजलनु भ्रष्टु पट्टिस्तुन्न प्रभुत्वमनि विमर्शिंचारु। टीआरएस प्रभुत्वं ओक फ्यामिली प्रभुत्वं राष्ट्रान्नि दोचुकुंटुन्न ई फ्यामिली टीआरएस प्रभुत्वं कुप्पकूले रोजुलु दग्गर पड्डायनि बीजेपी अधिकारंलोकि रावडं खायमनि आयन अन्नारु। కాళేశ్వరంలో జరిగిన అవకతవకలపై బండి సంజయ్ కిషన్ రెడ్డి బయటికి తీస్తారని 2023 లో జరిగే ఎన్నికలకు ముందస్తు ప్రజల్లోకి వెళ్ళడానికి ఇంటింటికి ప్రచారం ఇప్పటి నుండి మొదలుపెడుతున్నామని టిఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం పెట్టిన బై బై మోడీ ఫ్లెక్సీల గురించి మేము లైట్ గా తీసుకుంటున్నామని కానీ తెలంగాణ ప్రజలు కేసీఆర్ కుటుంబ పాలనకి బై బై చెప్పే రోజులు దగ్గరలోనే ఉన్నాయని ఎన్నికలు ఎప్పుడు వచ్చినా బీజేపీ పార్టీ సిద్ధంగా ఉందని ఆయన అన్నారు। మహారాష్ట్రలో శివసేన బీజేపీ కలిసి ఎన్నికల్లో పోటీ చేసే వ్యతిరేకమైన కాంగ్రెస్ ఎన్సీపీతో జతకట్టితే నేడు ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసి శివసేనకు తగిన గుణపాఠం చెప్పడం జరిగింది అని ఈ సందర్భంగా ఆయన మీడియాతో మాట్లాడారు। अगर सबसे भ्रष्टतम सरकार कौन सी है, ऐसा किसी को भी सवाल किया तो उत्तर एक ही है, टीआरएस टीआरएस टीआरएस। यह सरकार सबसे भ्रष्टतम है, हर चीज में, राशन कार्ड भी लेना हो या कोई दूसरा काम करना हो या कोई कॉन्ट्रैक्ट लेना हो, पैसे के बिना इस राज्य में कुछ भी नहीं होता, ये सबका अनुभव। इसमें और एक है डायमेंशन कि ये पूरा एक फैमिली लूट रही है। अरे वो नहीं चाहिए, 1 करोड़ टॉयल और यहाँ भी हजारों की संख्या में है। मैं आंकड़े आपको अलग से एक प्रेस रिलीज देते हैं, हम टॉयलेट्स हजारों हुए हैं, सब किसानों को फ्री राशन मिला है, सब किसानों को दाम अच्छे मिले हैं, एमएसपी बढ़िया है, वही तो बताया था। और फिर उसके ज़्यादा नल मिले हैं हजारों लोगों को घर में, टॉयलेट मिले जैसे मैंने कहा, उज्ज्वला कनेक्शंस बहुत मिले हजारों, उन महिलाओं को जनधन खाते बहुत सारे हजारों खुल गए और उसको हमें मिला है, सबको लाभ मिला है। तो हमारी अभी जो बैठक थी, बैठकें जो चल रही है, तेलंगाना के 119 सीटों पर, 119 सीटों पर देश के हमारे नेशनल एग्जीक्यूटिव के कोई ना कोई नेता 2 दिन गया है। मैं बोथ में आया हूँ, आदिलाबाद में हमारे त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री विप्लव देव है, सभी जगह सब लोग हैं, हम सभी मोर्चों के साथ बैठ रहे, सब टोलियों के साथ बैठकर तैयारी कर रहे हैं। और मैं आज दावा करके जाता हूँ कि आदिलाबाद लोकसभा जीती है, अब बोध विधानसभा भी हम जीतेंगे, आदिलाबाद विधानसभा भी हम जीतेंगे, मुझे इतना ही कहना। अभी ये हमारी 2 दिन का है, हमारे परमानेंट इंचार्ज यहाँ कौन है? अंजापुर श्रीनिवास, अंजापुर श्रीनिवास है, एक राज्य का होता है। और चुनाव के समय मैं जैसे आंध्र का इंचार्ज 6 साल था, 2009 से 2014 तक, और 14 का अलायंस आपको मालूम है, हमने टीडीपी और हम मिलकर लड़े थे, हमसे वो अलग हो गए, आज उनकी क्या हालत थी तो देख रहे हैं। यही होता है, बीजेपी का साथ जो छोड़ता है उसका यही हालत है। चलो फिर बनी सरकार, बनी उसके बाद महाराष्ट्र में बनी क्योंकि शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी एक साथ मिलकर लड़े थे अलायंस में, और जनता ने हमें पूर्ण बहुमत दिया था, लेकिन शिवसेना ने बाद में गद्दारी करके कांग्रेस और एनसीपी से हाथ मिलाया था। तो
गद्दारी उन्होंने की, अब सजा भी वो भुगत रहे हैं। महाराष्ट्र में ये मोस्ट अपॉर्चुनिस्ट अलायंस था, एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना, पैसे खाना और खुद के केसेस मिटाना, इतना ही उनका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम था। बीजेपी को